नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना का प्रसार एक बार फिर से शुरू हो गया है। अलग अलग इलाकों से बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आपको पता है कि 11 तारीख तक सरकार की नई गाइडलाइन प्रभावी रहने वाली है। अलग अलग स्कूलों को, कोचिंग संस्थानों को और जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। लेकिन अब लोगों में कोरोना को लेकर वो भय फिर से दिखाई दे रहा है। पहले लोग नियमों को तोड़ते हुए नजर आते थे, मास्क नहीं पहनते थे, लेकिन अब फिर से कोरोना को लेकर लोग सजग हो गए हैं। उसका जीता जागता उदाहरण पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल में देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ टेस्टिंग कराने के लिए पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल की है, जहां पर कोरोना टेस्ट कराने वाले लोगों की कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहां पर अपना कोरोना जांच करवाने आए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो खौफ है एक बार फिर से लौटता हुआ नज़र आ रहा है। बीच के कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि लोग कोरोना को नज़रअंदाज कर चुके थे। कोरोना संक्रमण तो था ही, लेकिन लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई थी। और जो भी समारोह हो रहे थे, चाहे वो शादी विवाह का कोई फंक्शन हो या फिर ऐसे ही कोई कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए, हर जगह लोगों की भीड़ लगी हुई रहती थी। कोरोना की चिंता किए बगैर लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक बार फिर से कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ने लगा है और पूरे बिहार में इसका असर दिखाई दे रहा है। खासकर बात अगर पटना ज़िले की करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में बिहार का पटना ज़िला ही है, और यहाँ से हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज़ निकल कर आ रहे हैं। बात अगर आईटी पटना की भी कर ले तो वहाँ से भी 15 छात्र जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में मरीज निकल कर आ रहे हैं, जिसके बाद इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील भी किया जा रहा है। पहले आपको पता होगा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे थे, लेकिन जब से केंद्र की तरफ से ये कहा गया कि ज़िला स्तर पर लॉकडाउन की तैयारी की जाए और केवल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर निर्भर ना रहा जाए, तब से प्रशासन जो है और ज़्यादा सजग हो गई है और अलग अलग इलाकों में बड़े कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीज़ मिल रहे हैं। इसी का भय लोगों में दिखाई दे रहा है। और आज न्यू गार्डनर अस्पताल की ये तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें लोगों की भीड़ लगी हुई है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जांच किया जा रहा है बाहर में ही, और कोविड संग्रह केंद्र बनाया गया है जहां पर डॉक्टरों के द्वारा कोरोना की जांच की जा रही है, और फिर बाद में इसका रिपोर्ट आता है, बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। तो बिहार में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने तो नई गाइडलाइन जारी कर दी है, वहीं दूसरी ओर लोग भी अब सजग नज़र आने लगे हैं। अपनी मर्जी से इतनी बड़ी संख्या में लोग न्यू गार्डनर अस्पताल में कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन केवल इतने से नहीं होगा, आपको कोरोना के खतरे से बचने के लिए तमाम सावधानियाँ बरतनी होंगी। आप भीड़ भाड़ में जाने से थोड़ा बचें, और ख़ासकर जब आप बाहर जाएँ तो कोशिश करें कि मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और भीड़ भाड़ में जाने से तो बिल्कुल ही इन दिनों बचने की ज़रूरत है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।